और जिस तरह से पूर्णिया में हुआ कि पप्पू यादव के साथ, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया था और अब पप्पू यादव सख्ते में है, उनकी परेशानियां बड़ी है। वैसे यहाँ पर बिहार की जो राजनीति है उसमें क्षेत्रीय दलों का काफी दबदबा है, चाहे वो जनता दल यू की बात करें चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बात करें। हालांकि पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय पार्टी में भाजपा ने काफी बेहतर स्थिति अपनी मजबूत की है बिहार में। क्या सवाल, महागठबंधन टूटा क्यों? ये अपना मन करने के लिए नीतीश कुमार भागे क्यों? इसलिए कि उनको छोटा दिखाया जा रहा था, मैं बड़ा हूँ, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, ये बने, इसलिए आज टूटा। और जब वो चले गए तो उस महागठबंधन को चला कौन रहे हैं? पुराने हाँ लाठी चलावन वही चला रहे हैं। बिहार में सीटों को लेकर महागठबंधन के अंदर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है और इस घमासान के बीच अब बीमा भारती ने ताल ठोकते हुए कहा है कि पूर्णिया सीट हमें मिल गई है, राजद की तरफ से मैं चुनाव लड़ने जा रही हूं। तो ऐसे में पूर्णिया सीट पर जो लगातार पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कर कांग्रेस में आए थे, वो वादा कर रहे थे कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तो उनका क्या होने वाला है? और महागठबंधन में अगर देखा जाए तो अब एक गाना सूट बैठ रहा है कि इंतजार इंतहा हो गई इंतजार की, अब तो लिस्ट भेज दो उम्मीदवार की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मीडिया के वरिष्ठ संवाददाता मौजूद हैं, हमारे साथ कुणाल शेखर जी हैं, पॉलिटिकल खबरों पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं, हमारे साथ रविशंकर जी हैं, ये भी लगातार जुड़े हुए हैं कई दिनों से पत्रकारिता में और अभी फिलहाल जो है पॉलिटिकल खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। कुंदन जी भी हमारे साथ हैं, अपने लेखनी से लगातार जादू करते हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले हम लोग पूर्णिया पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या होने वाला है और महागठबंधन के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। पूर्णिया में पप्पू यादव बहुत उम्मीद के साथ जन अधिकार पार्टी का विलय इन्होंने कांग्रेस के साथ किया था और उन्हें यह उम्मीद थी कि कांग्रेस के द्वारा उन्हें पूर्णिया सीट दिया जाएगा। लगातार वे पूर्णिया में कैंपेनिंग भी कर रहे थे, लेकिन जो स्थिति बनी है, अचानक राजद ने बीमा भारती जो मंत्री थी बिहार की, उनको वो पहले तो जदयू से राजद में जाती हैं, उसके बाद राजद उनको सिंबल दे देता है। अब महागठबंधन का जो आंकड़ा है, जो जीच आपस में है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक कई सीटों पर फैसला नहीं आया है, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। और जिस तरह से पूर्णिया में हुआ ये पप्पू यादव के साथ, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया था और अब पप्पू यादव सख्ते में है, उनकी परेशानियां बड़ी हैं। वह लगातार पूर्णिया में कैंपेन कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को वहां टिकट नहीं मिल रहा है तो रार तो है। अभी भी दोनों पार्टियों में जदयू माफ करें कांग्रेस और आरजेडी में बिहार में अभी तक सब ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। क्या लगता है कि जन अधिकार पार्टी को लेकर ही अगर आगे बढ़ते पप्पू यादव तो कुछ अच्छा नहीं रहता उनके लिए, या विलय करना क्या सही साबित होगा उनके लिए? जिस तरह से अभी तक उनको एक भी सीट नहीं मिल रहा है तो उनका विलय करना तो एकदम उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए यहाँ खतरनाक साबित हो रहा है। तो ऐसे में महागठबंधन किस ओर जाती दिख रही है? क्या लगता है राष्ट्रीय पार्टी होके कांग्रेस को बिहार में गिरगिराना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है? लगातार कांग्रेस, देखिए कांग्रेस अड़ी हुई है कि पिछले बार यानी 2019 के इलेक्शन में वे 9 सीट पर चुनाव लड़ी थी और आरजेडी उसको 6 से 7 सीट लगातार बात जो आ रही है छक्कर सामने आ रही है 6 से 7 सीट देने की बात करी, लेकिन कांग्रेस 9 सीट पर अड़ी हुई है कि हमें कम से कम 9 सीट चाहिए। तो हम यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और यदि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वह मोदी जी को टक्कर दे, प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी का चेहरा सामने लाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़नी होगी, बिहार में भी उसको अधिक से अधिक सीटों पर लड़नी होगी, तब उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। फिर लौटेंगे कुणाल जी, रवि जी ये बताएं, लगातार लालू यादव तो टिकट बांटे जा रहे हैं, बीमा भारती को भी अब सिंबल दे दिया, ऐसा बीमा भारती कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्या कहिएगा इस पर? मुख्य रूप से यहाँ पर बिहार की जो राजनीति है उसमें क्षेत्रीय दलों का काफ़ी दबदबा है, चाहे वो जनता दल यू की बात करें चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बात करें। हालांकि पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय पार्टी में भाजपा ने काफ़ी बेहतर स्थिति अपनी मजबूत की है बिहार में, लेकिन वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो देश की जो सबसे पुरानी और राष्ट्रीय पार्टी है उसका जो स्तर है राजनीतिक रूप से जो है लगातार गिरता जा रहा है और उसका परिणाम है कि अभी
अब क्षेत्रीय पार्टी के सामने एक राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो लंबे समय तक सत्ता में रही और लीड किया देश में काफी दिनों तक सत्ता के मतलब सिंहासन पर बैठे रहे, लेकिन उसके बाद भी आज गिड़गिड़ाने वाली स्थिति है। और बता यह देखने वाली बात है कि पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है और अब तक बिहार में सीट शेयरिंग तक की बात पर कुछ भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया है। अभी भी कांग्रेस ने पहले 11 सीट की बात की थी, लेकिन काफी जब विवाद इसमें बढ़ गया तो फाइनली वो 9 सीट पर आके अड़ी है, लेकिन राजद का कहना है कि वो 6 सीट से ज्यादा इनको नहीं देंगे। वहीं अगर बात भागलपुर की हो या कटिहार की हो, पूर्णिया, इन तीन जगहों पर काफी रार देखा जा रहा है, जिसमें से एक बड़ा जो अंतर आपने भी बताया था कि पप्पू यादव की बात आपने की थी, तो पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के जो है मुखिया हैं और उसके बाद वो काफी प्रयास करने, पिछले 2-3 चुनाव में उन्होंने काफी कुछ प्रयास किया कि अपनी पार्टी के को आगे ले जाने के लिए, लेकिन रिजल्ट उनके पक्ष में कुछ भी होता नहीं आया, जिसके कारण एक इससे कहना होगा कि ये मजबूर होकर के इन्होंने कांग्रेस के साथ आने का फैसला किया। और कांग्रेस के साथ आने का इनका कारण ही है कि ये पूर्णिया सीट से चुनाव लड़े, जिसके बाद इनकी भी स्थिति मजबूत हो, इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, जिसके बाद पार्टी को इसका लाभ मिले। चूंकि एक पुराने राजनेता रहे हैं पप्पू यादव और इसके पहले 5 बार सांसद भी रह चुके हैं और उनकी पत्नी भी लंबे समय से कांग्रेस है और अभी भी राज्यसभा की सांसद है वो, तो इस तरह से उनकी स्थिति वहां पर मजबूत मानी जा रही है। और अगर उन्हें सीट मिलता है तो ये न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि महागठबंधन के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, श्यामानंद जी हैं, इतिहास तो काफी आपका मंझा हुआ है इसमें पत्रकारिता में, क्या लगता है क्या हो रहा है? भागलपुर सीट में भी पेच फंसा हुआ है, लिस्ट नहीं आ रहा है, लिस्ट नहीं आने का कारण क्या? सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये दुर्भाग्य है, एक नेशनल पार्टी जो कांग्रेस, इस देश में 2 पार्टी है, एक बीजेपी एक कांग्रेस, ये दुर्भाग्य है कि रीजनल पार्टी जो बिहार में है आरजेडी के, वो अपना सिंबल बांट रहे हैं मगर ये नेशनल पार्टी को ठेंगा दिखा रहे हैं, बार 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 सुन रहे हैं। भागलपुर, हम भागलपुर से पत्रकारिता करते हैं मगर भागलपुर में ये देख रहे हैं कि अजीत शर्मा को, कभी नेहा शर्मा को, तो कभी इसको, तो कभी उसको नाम आ रहा है, हाँ बहुत सारा नाम आ रहा है मगर कहीं ठेंगा। मगर आरजेडी जो है वो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, ये गोलगप्पो खिला रहे हैं, ये कांग्रेस को, कांग्रेस को गोलगप्पा खिला रहे हैं कि 9 सीट देंगे, 10 सीट देंगे, 6 सीट देंगे। तो बात हो रही थी 10 सीट की कांग्रेस की, मगर 9 पे बात बनी है, कहीं ना कहीं 9 पे बात बनी है, मगर अभी तक आरजेडी अपना सिंबल बांट रहे हैं। बात करें पूर्णिया की, पप्पू यादव जो दबंग नेता है, मझे हुए खिलाड़ी है, वो अपने पार्टी को विलय कर दिए कांग्रेस में इस लालच में कि हमको टिकट मिलेगा पूर्णिया से, मगर टिकट फिसड्डी, हाँ हाथ मलते रह गए, कहीं कुछ नहीं। तो ये क्या है इस, जब नेशनल पार्टी को ऐसा दिखाया जा रहा है तो आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वजूद रह गया नेशनल पार्टी की, पेच है बहुत ज्यादा पेच है। कुंदन जी हमारे साथ, कुंदन जी आप अपनी प्रतिक्रिया दे, साफ तौर पर क्या देख रहे हैं? शिवम जी मैं आपको बता दूं कि आज राजनीतिक क्षेत्र में जो स्थिति बन के सामने आ रही है, जो हम लोगों के से अवगत होते जा रही है, वैसी स्थितियों से अगर देखा जाए तो एक वाक्या जो कल तक टीवी और सीरियलों में देखा करते थे कि अलादीन हुआ करता है और एक तिलिश्मी चिराग को घिस करके जो कोई मांगता है, जो मांगता है तो वो मन की 3 मांगे पूरी करती है। वही स्थिति अगर देखा जाए तो आज के डेट में जो राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आज से नहीं, आजादी के पूर्व के समय से ही जो संघर्ष की दुनिया चलाई थी और संघर्ष करते हुए उन्होंने जो भारत के एकता और अखंडता की ज्योत को लेकर के जो अब तक अपने काम को अग्रसर रखी हुई है और उसी मुहिम पर आज लगातार क्षेत्रवार गांव-गांव में कस्बे में जा करके उन्होंने अपने आप को जोड़ने का जो मुहिम चलाया है, चाहे वो जन आंदोलन की बात करें, चाहे वो न्याय आंदोलन की बात करें, वो न्याय के क्षेत्र में भी और लोगों की आवाम को, आवाज को मजबूत करने की दिशा में जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम को अगर देखा जाए तो निकटतम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको, उनके अगर देखा जाए उनके मन में तो एक ऐसा लगता है कि पीठ पीछे जय श्री राम की
की बात करते हैं और सामने से छुरी दिखाने का बात, मुंह में राम बगल में छुरी, बगल में छुरी वाली कहानी है। क्यों कर रहे हैं ऐसा लालू यादव? ये देखिए, अभी तक जो महागठबंधन के दायरे में चल करके गठबंधन की नींव को बांधना और फिर अपने स्तर से पार्टियों के बीच में लोगों के साथ में एक अलग तरह का वर्चस्व कायम करना कि मैं अपने उम्मीदवारों की रणनीति में मैं पीछे नहीं रहा हूं, वहीं देख लीजिए अखिलेश यादव को या और किसी भी पार्टी के प्रमुख जो भी हैं, आज लालू जी की ही बात नहीं है और भी कई सारी पार्टियां हैं, वो अपने अपने उम्मीदवार को, चाहे मायावती की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, चाहे लालू यादव की बात करें, वो अपने अपने हिसाब से जो है अपने उम्मीदवारों की सीटें मिल रही है, बता दीजिए क्या लग रहा है आपके हिसाब से कांग्रेस को कितने हाथ लगे? देखिए, कांग्रेस आज भी तिलिस्मी चिराग की उम्मीद में लगी हुई है और अपने संघर्ष को किए जा रही है। अब देखने वाली ये बात है कि क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ में किस तरह से साझेदारी निभा पाती है। 7-8 या 9 उम्मीदता जो घोषणाएं हैं कम से कम तो 9 पे रहेगी। एक बार फिर लौटेंगे कुणाल जी के पास, कुछ मन में चल रहा है सुनकर? हाँ, सुनकर चल तो ये रहा है कि घुटने टेक दिए हैं बिहार में कांग्रेस ने राजद के सामने। पहली बात तो यह है क्योंकि राजद जिस तरह से अपने कैंडिडेट को फाइनल कर रही है, लगातार सिंबल बांट रही है और लगभग फाइनल पूर्णिया दिख रहा था कि पप्पू यादव को मिलेगा, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अभी बीमा भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही हैं कि उन्हें टिकट मिल गया है, राजमाता का आशीर्वाद मिल गया है, पप्पू यादव से भी आशीर्वाद मांग रही है, पप्पू यादव से भी आशीर्वाद मांग ही रही होगी। निश्चित रूप से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा है, तो बीमा भारती जरूर आशीर्वाद चाहेगी। क्या होने वाला है पप्पू यादव का, क्या पार्टी अब बचेगी उनकी, क्या लगे? पार्टी कहाँ बची, उनकी पार्टी तो कांग्रेस में मर्ज कर गई है, सीट भी नहीं मिल रहा है, अब पप्पू यादव का क्या हो? ये तो लगातार बड़ा सवाल सामने आ रहा है, लेकिन पप्पू यादव भी एक मंजे हुए खिलाड़ी है, कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा ही होगा। श्यामानंद जी, आखिरी प्रतिक्रिया बता दीजिए, भागलपुर को लेकर बता दीजिए, पूर्णिया तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, भागलपुर के लिए जो अभी सुन रहे हैं कि अजीत शर्मा, और हकीकत में उनके तरह कैंडिडेट अभी है भी नहीं जो भागलपुर कांग्रेस की ओर से मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। मैं एक छोटी सी बात कहेंगे, महागठबंधन, छोटा सा बात, महागठबंधन टूटा क्यों? ये अपना मन करने के लिए नीतीश कुमार भागे क्यों? इसलिए कि उनको छोटा दिखाया जा रहा था, मैं बड़ा हूँ, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, ये बने, इसलिए आज टूटा। और जब वो चले गए तो उस महागठबंधन को चला कौन रहे हैं? पुराने लाठी चलावन वही चला रहे हैं, ठीक है। मगर आपको ये बता दें कि अभी भी नेशनल पार्टी जो है कांग्रेस और बीजेपी, ये दो पार्टी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है नीचा दिखाने का काम कर रहा है ये आरजेडी, महागठबंधन के लोग, ठीक है, महागठबंधन में जो आरजेडी है। इसलिए अगर आज तक अगर इनको बड़ा पार्टी मानते तो सबसे पहले उनके उनके टिकट का घोषणा होता और जहां 9 सीटों पर बात हुई है 9 सीटों पर कांडिडेट होता, मगर ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं। कांग्रेस को अपनी प्रतिष्ठा बचानी चाहिए। हाँ जी हाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना प्रतिष्ठा अब बचाना चाहिए। और हम तो कहेंगे, ये मेरा इच्छा है कि कहीं कहीं जैसा लग रहा है कहीं कहीं कांग्रेस को मेरा कहना है कि कांग्रेस को अब अपना अलग होके लड़ना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया जी। चलिए, तो हम पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे लगातार और चुनावी चुस्की के बीच महागठबंधन के अंदर पेच जरूर फंसता हुआ नजर आ रहा है। पप्पू यादव ने विलय जरूर किया कांग्रेस के साथ, लेकिन सीट मिलती सीधे तौर पर उन्हें नहीं दिख रही है। पूर्णिया से सीट मिलते नहीं दिख रही है क्योंकि पप्पू यादव ने ट्वीट कर सभी को अचंभित किया था कि मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और बीमा भारती ने क्या कह दिया कि पूर्णिया के अलावा किसी सीट से नहीं लड़ेंगे, लालू यादव जिसे आशीर्वाद लेकर सिंबल लेकर मैं अब पूर्णिया आ गई हूं। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महागठबंधन के अंदर उम्मीदवारों के नाम नहीं आने को लेकर इन सारी पेच जो है ये अंदर अंदर फंसी हुई है और अब लोग उम्मीद जताए खड़े हैं कि आखिरकार कांग्रेस को कितनी सीटें जाती है और लालू यादव जो अपने मन से सिंबल बांटे जा रहे हैं इसको इस पर कब विराम लगता है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।